हेलो एंड वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले जाने थे और उन पे बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, राइट। आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पे लिमिट लगाना आप अच्छे से सीख गए होंगे। आज की जो एक्सरसाइज थी, अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देखें तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें लॉगरिदम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे लिमिट लगाना सीखना था और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने थे, राइट। तो उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। स्किप का मतलब ये नहीं कि मैं उस एक्सरसाइज को नहीं करा रहा। आज मैं एक्सरसाइज 13.6 रख रहा हूँ, क्योंकि लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल को बता कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर में मैं पूरा ही उनके बारे में आपको बताऊंगा कि लॉगरिदम फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ग्राफिकली उन सबको बहुत अच्छे से डिटेल से मैं आपके सामने रखूंगा। बट अभी जो आप लिमिट्स पे क्वेश्चन किए जा रहे हो तो अभी उनमें जो जो बातें आप सीख रहे हो बेसिकली उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और हो जाए, इसके लिए 13.6 एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ। इसमें वही बेसिक क्वेश्चंस हैं और उन पे लिमिट्स आपको करनी है। तो 13.6 करते हैं आज, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनके बारे में जानेंगे, फिर हम उस पे बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस 13.6 एक्सरसाइज में जो हमारा कंसेप्ट है वो लिमिट एग्जिस्ट को लेकर के है। मतलब हमसे कि कोई फंक्शन दिया गया होगा और उस फंक्शन पे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। अभी तक जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उसमें ऐसा ही आप खेल पा रहे हो कि लिमिट एक्स एक लिमिट होती है और उसके साथ कोई फंक्शन होता है। इस फंक्शन पे हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ये अप्लाई करानी है। तो आज पहले हमें ये देखना है कि इस फंक्शन पे ये लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हम दो लिमिट निकालते हैं। एक तो LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। इस LHL का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है, मैंने आपको कहा था कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जब हम x tends to a लिखते हैं तो x tends to a का मतलब है कि a में कुछ कम हो सकता है या a में कुछ ज्यादा हो सकता है। जब a में कुछ कम हो रहा है तो मैं इसको a minus h पुट करता था ना, या a में कुछ बढ़ा करके करना हो तो हम a plus h पुट करते थे ना। तो जब हम नेगेटिव मतलब इसमें से कुछ कम करके पुट करते हैं उसको हम नाम देते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये बनेगी लिमिट x tends to a नेगेटिव। a नेगेटिव मतलब ये जो लिमिट दी गई है इस वैल्यू में कुछ कम है, इससे थोड़ा सा कम हो रहा है जो वैल्यू है। और यहां पे fx मतलब वो फंक्शन। अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा कि a में जो कम हो रहा है वो h कम हो रहा है, और एज एच टेंस टू जीरो कि जो एच है वो टेंस टू जीरो है, मतलब वो जीरो के नियर बाई है। तो यहां पर लिमिट बन गई एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ए माइनस एच। और अब इसमें आप एच की जगह जीरो रख दें तो रिजल्ट कितना आ गया, एफ ए। रिजल्ट आ गया एफ ए। इसके बाद हम निकालेंगे RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। मतलब एक लिमिट के दो रूप हो सकते हैं, एक तो जब उससे थोड़ा कम हो तो वो LHL नाम है उसका, उसमें थोड़ा ज्यादा हो उसमें थोड़ा बढ़ जाए। मतलब अगर x tends to 2 है तो उस x की वैल्यू 1.999 हो सकती थी ना, या 1.9 हो सकती थी, या 1.99 हो सकती थी, वो सब 2 माइनस एच के ग्रुप में आएंगे, दो में कुछ कम होकर के। अगर x tends to 2 है तो वो x की वैल्यू 2.01 हो सकती थी, 2.0001 हो सकती थी, 2.00000001 ये हो सकती थी। तो ये सब जो वैल्यूज हैं ये 2 plus h के ग्रुप में आएंगे, मतलब वो सब उस 2 के लिए राइट हैंड लिमिट है। 2 में कुछ कम होकर के है वो सब 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब हम क्या निकालेंगे, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या बनेगा, लिमिट x tends to a पॉजिटिव, a में कुछ बढ़ करके, और यहां पे रहेगा fx मतलब वो फंक्शन, हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h,
एज एच टेंस टू जीरो. तो ये लिमिट बन गई कितनी, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना ए प्लस एच, एच की जगह जीरो रख दे तो रिजल्ट कितना जाएगा एफ ए. पॉइंट टू बी नोटेड, मैं बहुत से एक्सरसाइज में बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो आप उसमें चाहे माइनस करके लिख दो प्लस करके लिख दो कोई बात नहीं. मैं बार बार बोल रहा था ना, टू माइनस एच पुट कर लो या टू प्लस एच पुट कर लो, आपकी मर्जी है. वो इसीलिए मैं बोल रहा था, अगर आपने 2 माइनस एच या ए माइनस एच से जो निकाला है, ए प्लस एच से जो निकाला है, अगर ये दोनों सेम आए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, अगर ये दोनों इक्वल आए तो आप समझिए जो दी गई लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है. द गिवन लिमिट एग्जिस्ट, द गिवन लिमिट एग्जिस्ट, दी गई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दी गई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. क्यों? क्योंकि फिर तो मैं ये कह ही नहीं सकता आपसे कि माइनस वाला पुट कर लो चाहे प्लस वाला पुट कर लो, मतलब टू माइनस एच पुट कर लो या टू प्लस एच पुट कर लो, एक ही बात है. फिर तो अलग अलग बात आ रही है, अलग अलग बात आ रही है तो इसका मतलब वो जो लिमिट है वो लिमिट उस फंक्शन पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रही. अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करे तो सब्स्टिट्यूशन करते वक्त चाहे आप उसमें कुछ कम करके पुट करें चाहे उसमें कुछ बढ़ा करके पुट करें, दोनों से रिजल्ट सेम आए तो हम कहेंगे ना कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट? तो इस फॉर्मेट पे आज की एक्सरसाइज चलेगी 13.6. अगर मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीन पार्ट है, तीनों ही पार्ट एक जैसे हैं. मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिया, एक्सरसाइज 13.6. एक्सरसाइज 13.6 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू टू, लिमिट एक्सटेंड्स टू टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू. इस पे मुझे लिमिट ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट. इन लिमिट्स को सोल्व करो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो. हम क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसी से ही इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कितना बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, जो लिमिट दी गई है उसके उसका नेगेटिव मतलब ये नहीं कि बाहर नेगेटिव, उसमें कुछ कम, टू नेगेटिव. और ये फंक्शन लिख देंगे मोड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है. अब टू में कुछ कम हो रहा है, ये हमें नहीं मालूम कि वो कितना कम हो रहा है, तो हमने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच, कि जो टू में कम हो रहा है वो एच कम हो रहा है, और जो ये एच है एज एच टेंस टू जीरो, जो एच है वो टेंस टू जीरो है, मतलब जीरो के नियर बाई है. तो यहां पर जो लिमिट बनेगी वो एच टेंस टू जीरो बन गई, यहां पर लिमिट बन गई एच टेंस टू जीरो, और जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे, टू माइनस एच. ये सब प्रैक्टिस आपने की हुई है, बस आज का फॉर्मेट ये है, उसके बाद सॉल्यूशन तो वही है जो आपने पहले किया हुआ है. तो कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह कितना, टू माइनस एच माइनस टू, और नीचे कितना, टू माइनस एच माइनस टू, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, इतना आ गया. इसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर कितना बचा, माइनस एच, माइनस एच का मोड आ गया ना, माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा, प्लस एच. मोड में नेगेटिव भी पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस का मतलब यही है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मोड भी पॉजिटिव बन जाएगा, पहले हमने सीखा हुआ है ये बहुत ज्यादा. माइनस फाइव का मोड फाइव, माइनस सेवन का मोड सेवन, सेवन का मोड भी सेवन, माइनस सेवन का मोड भी सेवन. माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा, प्लस एच, और नीचे कितना है, माइनस एच. यहां पे तो मॉडुलस नहीं था, राइट? ये एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना आ गया यहां पे, माइनस वन. अब जब माइनस वन पे हम लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, खुद ये माइनस वन ही रहेगा.
कांस्टेंट पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो उसका रिजल्ट खुद वो कांस्टेंट ही आता है ना। तो हमने जब इस लिमिट पे, इस फंक्शन पे LHL निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से इसका रिजल्ट -1 आ गया, राइट। उसमें कुछ कम करके पुट किया तो अब हम इसी लिमिट पे RHL निकालेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, इस पे चलना होगा ना, जो लिमिट दी गई है उसके पॉजिटिव की तरफ, उसके राइट की तरफ। तो यहां कितना आएगा, मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब हम यहां पुट करेंगे कितना, x इज इक्वल टू 2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0 और x की जगह कितना आएगा, 2 प्लस h माइनस 2 और नीचे 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h बच गया ना, h का मॉडुलस h रहेगा और नीचे प्लस h है, h से h कैंसिल, कितना आ गया 1, 1 पे लिमिट लगाओगे तो रिजल्ट 1 आ गया। नाउ यू कैन सी दैट LHL एंड RHL बोथ आर नॉट इक्वल, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दोनों से अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो क्या लिखोगे, द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दी गई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट के तीनों पार्ट आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये जो आप बड़ी ब्रेकेट देख रहे हैं ना, ये ब्रेकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जो बच्चे स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, लगातार क्लास ले रहे थे, रिलेशन फंक्शन में मैंने एक लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया था, उनका पूरा सब कुछ ग्राफ बना करके डोमेन रेंज सब उस पर हमने डिस्कस की थी। तो उसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी समझाया था। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस पे आपको लिमिट एग्जिस्ट देखना है। तो यहाँ पहले हम निकालेंगे LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ अब हम पुट करेंगे x की जगह कितना, 1 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। ये लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0 और इस x की जगह कितना जाएगा, 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जरा समझिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शनिंग क्या होती है, ये हमने वहां भी बताया था, अब मैं बता रहा हूं यहां पर ज्यादा डिटेल में, तो मैंने वहां बता रखा है आप सबको कि इसका ग्राफ वगैरह सारा इसका फंक्शनिंग। यहां मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूं कि 1 माइनस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बात कहता है, ये 0, ये 1, ये 2। 1 माइनस एच मतलब एक में कुछ कम हो रहा है, एक में कुछ कम हो रहा है तो हम यहां आ गए, इसके नियर बाई है। यहां अपने आप को पॉइंट करते हुए ये देखो कि इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर, सबसे नजदीक इंटीजर कौन सा है, आया समझ। तो इस 1 माइनस एच का, इस 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 0। इस पूरे का रिजल्ट 0 है और जब इस 0 पे मैं लिमिट लगाऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। आपने क्या देखा, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देखा, 0। अगर मैं 2 माइनस एच का देखता तो हाँ, दो में कुछ कम हो रहा है तो इसके लेफ्ट में आना है 1। 3 माइनस एच का, 100 माइनस एच का, 10 माइनस एच का। तो एक हम रिजल्ट बना लें, कंक्लूजन बना लें कि अगर हम a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें कितना आएगा, a माइनस 1, जो ये नंबर होगा उसमें से एक कब। यहां अगर माइनस 7 है,
माइनस सेवन माइनस एच है तो क्या आएगा, माइनस सेवन माइनस वन माइनस एट आएगा, है कि नहीं। तो ये एक कंक्लूजन मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कि a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, a माइनस वन, उसमें से एक कम कर दें। अब जब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा तो खुद यही रहेगा। अब हम इस पे सोल्व करते हैं RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में कितना मिलेगा, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव और फंक्शन कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सब्स्टिट्यूट करें, पुट x इज इक्वल टू वन प्लस h एज h टेंड्स टू जीरो, तो ये बन गई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह क्या आएगा वन प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहीं लिख देता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखते हैं कि 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा। देखिए 1 प्लस एच का मतलब 1 में थोड़ा सा बढ़ गया, यहां आ गए। अपने आप को यहां पे पॉइंट करते हुए ये देखिए कि इसके लेफ्ट में सबसे नजदीक इंटीजर कौन है, 1, हमेशा लेफ्ट में आना है। तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हो गया, 1, और 1 पे जब आप लिमिट लगाओगे तो रिजल्ट ये 1 ही रहेगा। आपने क्या बताया कि 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 2 प्लस एच का क्या होता, 100 प्लस एच का, 10 प्लस एच का, तो a प्लस एच का, समझ आ गई बात। ये दो बातें ग्रेटेस्ट में ध्यान रखें, कम होता है तो पीछे वाला, बढ़ता है तो खुद वही, राइट। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है। तो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आया, 1 पे जब आप ये लिमिट लगाओगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, 1। क्या LHL RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेयर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्या लिखोगे, द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दी गई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, समझ में आ गया। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शनिंग आपको समझ में आ गई है, ठीक है। इसके 4, 5, 6, 7 चार पार्ट्स में आते हैं, चारों में से कोई भी एक पार्ट लेते हैं, क्योंकि सब में मेंशन किया हुआ है कि पर्टिकुलर किस लिमिट पे निकालना है, ठीक है। लेते हैं इनमें क्वेश्चन, सेकंड का ही 6th पार्ट हमने लिया, इसमें लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव और ये पूरा फंक्शन दिया गया है। अब देखो इसमें आपको LHL RHL पे जाने की जरूरत नहीं है, इसने पर्टिकुलर कहा है कि इसको सोल्व करना है इस लिमिट पे, 1 प्लस करके दिया गया है ना, 1 प्लस करके दिया है, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि हम इसमें 1 प्लस h पे ही वैल्यू निकाल करके देंगे कि 1 प्लस h पे वैल्यू कितनी आएगी। अगर ये नहीं होता तो दोनों पे निकालते, LHL भी और RHL भी, लेकिन अगर 1 प्लस मेंशन कर दिया तो सिर्फ हमें 1 प्लस पे ही, मतलब RHL ही निकाल करके देनी है। तो इससे पहले थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, जितना ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको सिंप्लीफाई करें। मैंने क्या किया, एक बार तो इसके नीचे लिख दिया तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, बीच में प्लस, एक बार इसके नीचे लिख दिया, ऊपर हो गया अंडर रूट एक्स माइनस 1, नीचे अंडर रूट, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक बार इनका माइनस एक बार इनका प्लस, ये लिखा जा सकता है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहां 1, बीच में प्लस, ऊपर यही रहेगा कितना अंडर रूट x माइनस 1, नीचे अगर इस पूरे पे अंडर रूट है तो दोनों पर अलग अलग अंडर रूट लग जाएगा, मतलब मैं इसको अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1 कह सकता हूं, ये कैंसिल हो गया, कितना आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच एज एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0, 1 प्लस पे निकालना था ना, 1 प्लस h पुट करेंगे एज h टेंड्स टू 0, तो लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0, ये कितना आएगा 1 प्लस कितना, ऊपर 1 और नीचे अंडर रूट,
x plus 1, x की जगह कौन, 1 plus h, तो 1 plus h plus 1, h की जगह 0 रख दें अब, तो ये हो गया 1 plus 1 upon under root 2, हो गया, ज्यादा करें एलसीएम ले करके सोल्व कर दें, root 2 LCM, तो कितना जाएगा, root 2 plus 1, ये रिजल्ट आ गया, root 2 plus 1, आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड में भी ऐसा ही कुछ चलने वाला है। थर्ड का फर्स्ट सेकंड अगर मैं लूं तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने लिया लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव और ऊपर है एक्स, नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये दिया गया है। x अपॉन नीचे कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट, इसको सोल्व करना है। तो यहां जो लिमिट है, यहां जो लिमिट है वो कितनी है, 3 प्लस है ना, तो हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h एज h टेंस टू 0, तो यहां बन गई लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर कितना हो गया 3 प्लस h है कि नहीं, और नीचे 3 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऊपर 3 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हो गया 3 प्लस h और नीचे 3 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 होगा। अब हम h की जगह 0 रखेंगे तो 3 प्लस 0 3 अपॉन 3 1 आएगा, 1 पे लिमिट लगाओगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा ना, तो इसका रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट बच्चों हमने लिया, फंक्शन है स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3x और लिमिट x टेंस टू 2, देखना एक ट्विस्ट आएगा इस क्वेश्चन में। अगर देखो यहां कुछ भी नहीं लिखा ना, तो मुझे दोनों ही लिमिट निकालनी है, तो पहले मैं LHL निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कितना रहेगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव और ये फंक्शन कितना अंडर रूट 6 माइनस 3x, हो गया। अब हम यहां पे पुट करेंगे x की जगह कितना 2 माइनस h एज h टेंस टू 0, यहां अपनी लिमिट बन गई h टेंस टू 0 अंडर रूट 6 माइनस 3 और x की जगह आएगा 2 माइनस h। अब जब हम इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 2 इंटू 3 6 6 माइनस 6 0 0 का मॉडुलस आई एम सॉरी अंडर रूट नॉट मॉडुलस रिजल्ट 0 आ गया, लिमिट लगाओगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। LHL तो हो गया, अब जब हम इसमें RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और 6 माइनस 3x, वही पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h एज h टेंस टू 0, तो लिमिट हो गई h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां हम x की जगह क्या रख देंगे 2 प्लस h। अब हम इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 2 इंटू 3 6 माइनस 6 0 पे लिमिट लगाओगे दोनों इक्वल आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, आंसर देखो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चे आकर के डाउट पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया, आपके हिसाब से तो दोनों 0-0 है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब यही बात है, आपको ये एक मैथमेटिक्स है ना 11th-12th का, मैं बार बार जो इतनी जान लगा करके आपको बताया जाता ना हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सिलेबस के बारे में, हर चैप्टर के बारे में, 11th-12th का मैथमेटिक्स ये नहीं है कि उस चैप्टर में जो बात चल रही है बस वही आपने लगा दी काम चल गया, नहीं, पीछे की सीखी हुई नॉलेज एक दूसरे से लिंक करती हुई आती है। अब आप देखो हमने जब फंक्शंस पढ़ाए, ये लिमिट लग रही है फंक्शंस पे, और इसीलिए मैंने एक एक बात, मैं आपके सामने जो एक एक बात रखता हूं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है मैथमेटिकली। मैंने पहले दिन जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया तब कहा था ये कैलकुलस का पार्ट है, और मैंने कैलकुलस की बिल्डिंग बनाई थी कि किसी भी फंक्शन पे पहले लिमिट लगती है फिर कॉन्टिन्यूटी फिर डिफरेंस बताई थी ना, तो मैंने ये कहा था किसी भी फंक्शन पे, ये वर्ड यूज किया था, लिमिट किस पे लग रही है फंक्शन पे, ये फंक्शन है इस फंक्शन पे लिमिट लग रही है, तो इसको फंक्शन भी तो इसकी फंक्शन की भी तो वैलिडिटी रहनी चाहिए,
अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 2+h है ना, जब मैंने इसमें 2+h पुट किया, आप सब समझदार बच्चे हो, 2+h का मतलब दो में कुछ बढ़कर के है ना। जब दो में कुछ बढ़कर के है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 में कुछ बढ़कर के आएगा ना। yes, भाई ये 2+h का मतलब 2 point something है ना। 2 point something को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 point something। और 6 में से अगर आप 6 पॉइंट समथिंग को घटाओगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसका वो कैसा आएगा, उसका नेचर कैसा होगा। वो नेगेटिव में आएगा ना, और नेगेटिव का अंडर रूट लग रहा है। मैंने फंक्शन के केस में आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए। अंडर रूट में नेगेटिव बनाएगा तो वो इमेजनरी बनेगा, आयोटा बनेगा। और फंक्शन पे जो ये काम, फंक्शन पे जितना भी काम होता है ना, वो सब रियल वैल्यूड फंक्शंस पे काम होता है। रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब उन पे रियल नंबर रखने पर रियल नंबर ही रिजल्ट्स आए। इनपुट रियल नंबर है, आउटपुट रियल नंबर है, रियल नंबर से बाहर कोई भी चीज ना हो, ये इमेजनरी हो गया, आयोटा के केस में चला गया। मेरी बात समझ में आई? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2+h पे ये जो फंक्शन है ना, ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 2+h पे ये रिजल्ट कैसा देगा? विच इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये इमेजनरी रिजल्ट देगा। तो आप क्या कहेंगे? RHL नहीं आ सकते इसकी। क्यों? क्योंकि RHL पे ये फंक्शन फेल हो गया। क्या बनाने में? रियल वैल्यूड फंक्शन बनाने में। यहां तो हो सकता था। 2-h में तो क्या है? 2 में कुछ कम है तो 1 point, तो 3 से मल्टीप्लाई तो 6 से कम रहेगा ना, वो 6 में से घटाया जा सकता है, लेकिन यहां तो 6 में से घटाने पर नेगेटिव आएगा तो RHL नहीं आएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करे? जब दोनों सेम आए। जब इस RHL पे तो फंक्शन ही फेल हो गया, तो आप क्या लिखोगे? द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आए इसके पीछे का रीजन? 2+h पे आप लिखेंगे एट 2+h ये क्या बनेगा? अंडर रूट में नेगेटिव बनेगा। रूट में नेगेटिव बनेगा तो कैसा हो गया? ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहा, तो RHL कैन नॉट बी ऑप्टेन, RHL नहीं आ सकती, तो द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। चलिए बच्चे, आज के लेक्चर में बस इतना ही काम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में पार्ट्स भी हैं, तो वो आपको एक एक पार्ट भी करके देखने हैं। वैसे तो 4, 5, 6, 7, 8 ये पांचों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, पर चलते हैं लेक्चर में इनको करा देंगे, और उसके बाद हम फिर लॉगरिदम के ऊपर जो है वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कि क्या प्लानिंग करते हैं, क्या उसमें काम करते हैं। आप 13.6 स्टार्ट कर दें और इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।